Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Good morning, बच्चों. किसका बर्थडे है आज? मेरा तो नहीं है, लेकिन देखो पिक्चर में किसी का तो बर्थडे है ना? जी हाँ, तो आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन नंबर 8, जन्म दिनोत्सव. तो चलो बच्चों, फ्रॉम पेज नंबर 28 वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 8, जन्म दिनोत्सव. पुट योर फिंगर ऑन द लाइन. तो बच्चों, ये पिक्चर में जो लड़की है उसका नाम है धारा, उसका बर्थडे है, हमारी कंप्यूटर टीचर धारा मैडम का नहीं. ओके, तो चलो. धारायाः जन्मदिनम् अस्ति, सा नूतन वस्त्रं धारयति. माता धारायै मिष्टान्नं ददाति, सा मिष्टान्नं विद्यालये आनयति. देखो बच्चों, ट्रांसलेशन के लिए अच्छा है कि आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता कर लो. ओके, धारा, धारा क्या है? एक लड़की का नाम है. जन्मदिनम मतलब बर्थडे. ओके, क्या है धारा का? बर्थडे है. सा नूतन वस्त्रम धारयती, बर्थडे के दिन आप कैसे कपड़े पहनते हो? नए नए पहनते हो ना? हाँ, तो उसने भी नूतन वस्त्र मतलब न्यू क्लोथस पहने हैं. माता धारा यही मिष्टान्नम ददाती, माता मीन्स उसकी माँ, मदर. उसने क्या दिया? तुम लोग क्या करते हो बर्थडे के दिन स्कूल में? चॉकलेट्स बांटते हो ना? उसी तरह से उसकी मम्मी ने उसको मिठाई दी है. सा मिष्टान्नम विद्यालय आने दी, उसने वो चॉकलेट्स या मिठाई कहाँ पे लेके आई है? वो विद्यालय मतलब स्कूल. सुजला भगिनी धारायाः शिक्षिका अस्ति, सुजला, सुजला कौन है? धारा की टीचर. सा धारा पृच्छति अद्य किम विशेषः, उसके टीचर ने उससे क्या पूछा है कि व्हाट इज द स्पेशल टुडे. विशेष मीन्स स्पेशल. नए कपड़े पहन के वो आई है, इसलिए स्कूल ड्रेस नहीं पहना, इसलिए मैडम ने उससे पूछा कि आज क्या स्पेशल है. धारा वदती अद्य मम जन्मदिनम अस्ति, तो धारा ने कहा टुडे इज माय बर्थडे. सुजला धारा यही अभिनंदनम ददाती, टीचर ने उसको विश कर किया. अभिनंदन मतलब विश करना. धारा वीणा भगिनी कुत्र अस्ति, धारा ने सवाल पूछा कि वीणा कहाँ है. सा कार्यालय अस्ति, धारा वीणा समीपम गच्छति. सा वदति महोदय कृपया प्रार्थना सभायाम आगच्छतु. वीणा भी उनकी एक टीचर है, तो उसकी मैम ने, सुजला टीचर ने उसको कहा कि वो कार्यालय मतलब ऑफिस में है. तो धारा वहाँ पे गई और वीणा टीचर को कहा कि मैडम प्लीज़ कहाँ पे आइए, प्रार्थना सभा मतलब प्रेयर हॉल. वीणा वदती आम अहम आगच्छामि, वीणा ने कहा यस चलो मैं आ रही हूँ. धारायाः सखी ममता आम्रपाली वृक्षस्य पर्णानि आनयति, सा तोरणं ग्रन्थति वैशाली प्रार्थना खंडे सुशोभनं करोति. देखो, धारा का बर्थडे है इसलिए उसकी जो फ्रेंड्स है वो सारी तैयारी कर रही है. धारा की जो एक फ्रेंड है ममता, उसने क्या किया? आम्रपाली वृक्ष मतलब आसोपालव, अशोक ट्री. आसोपालव का ट्री आपको पता है बच्चों? तो उससे ये भी पता होगा कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है, आसोपालो जो ट्री होता है उसके लीव्स से हम लोग तोरण बनाते हैं ना, उसके अंदर कभी कभी गेंदे का फूल भी डालते हैं और उसका तोरण हम लगाते हैं. और हमारे स्कूल में भी आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल में भी लगाते हैं. हाँ, तो धारा की जो फ्रेंड है ममता, उसने उस ट्री के पत्ते लाए और उसका तोरण बनाया. और वैशाली जो है उसने क्या किया? प्रेयर हॉल को डेकोरेट किया. सुशोभनम मतलब डेकोरेट. धारा सरस्वती मातुः चित्र समीपम गच्छति, अद्य धारा एकादशमे वर्षे प्रविशति. धारा किसके पास गई?
जो सरस्वती माता का चित्र था उसके पास, और धारा का कौन सा बर्थडे था? यस, धारा इस बर्थडे में 11th ईयर में एंटर हो रही थी, मतलब वो 10 साल की हो गई है और अभी उसका 11वां साल चल रहा है। अतः सातत्र एकादश दीपान प्रज्वालय थी, उसका 11वां बर्थडे है इसलिए उसने क्या किया, पूरे 11 दिए सरस्वती माता के सामने जलाए। सरस्वती मातुहु वंदनाम करोति, उसको नमस्कार किया। अनंतरम यज्ञ अपि भवति, और उसके बाद उसने यज्ञ भी किया। धारा अक्षय पात्रे मुष्टिधानम स्थापयति, अक्षय पात्र उसमें क्या किया धारा ने, मुष्टिधानम मतलब एक मुट्ठी अनाज डाला। अनंतरम सा शुभ संकल्प करोति, उसके बाद उसने शुभ संकल्प किया। बच्चों, बर्थडे के दिन या फिर न्यू ईयर के दिन आप कुछ तो ऐसा सोचते हो ना कि चलो मैं ये पूरा साल ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो कुछ अच्छा ही संकल्प लेते हो ना कि बुरा काम करने का। ओके, कुछ आपका टारगेट फिक्स करते हो कि नहीं, गोल, उसी तरह से उसने भी शुभ संकल्प लिया। आचार्य जन्मदिन से शुभाशीष ददाती, आचार्य मतलब उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है उसने उसको आशीर्वाद दिए। वीणा धारा यही आशीर्वाद ददाती, सुजला अपि आशीर्वादम ददाती, वीणा और सुजला ने भी धारा को आशीर्वाद दिया। अंते धारा सर्वे व्यह मिष्टान्नम वितरती, लास्ट में धारा ने सबको मिठाई बांटी। धारा अतीव आनंदम अनुभवती, जी हाँ बच्चों, जिसका बर्थडे होता है वो तो बहुत खुश होता है, सबको बांटता है तो भी खुश होता है ना, एक्चुअली सबको बांट मिल बांट के खाने से ही खुशी मिलती है। आचार्य श्लोकम गायती, उसकी जो आचार्य है वो उसके बर्थडे के लिए श्लोक गाती है, कौन सा, सदा भवतु सुखिनः सदैव च निरामयः विद्यावान यशस्विनः भवतु चिरजीवनः, हमेशा सुखी हो, हमेशा अच्छा, निरामय मतलब बिना किसी बीमारी का जीवन जियो, और बहुत सारी विद्या प्राप्त करो, अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, यशस्वी भव, और अच्छा जीवन, बहुत लंबी आयु तुम जियो। इस तरह से उसके आचार्य ने उसको श्लोक गा के आशीर्वाद दिया है। बच्चों, आपको ये ग्लॉसरी आपके नोटबुक में उतारनी है। उसके बाद क्वेश्चन 1 भी हम लोग कॉपी ही करते हैं, क्वेश्चन 2 मैं आपको नेक्स्ट पीरियड PDF में भेज दूँगी। ओके बच्चों, बाय।